एक बात कहूँ रोशन, मैं बड़े लंबे अरसे में इतना खुश नहीं हुआ जितना आज हूँ। थैंक यू, आई लव यू रोशन। डर लगता है रोशनी, डर लगता है कहीं किसी की नजर न लग जाए हमें। कुछ नहीं होगा, बस बस क्या रोशनी? नवा सिद्धार्थ, मैं हमारी फैमिलीज मानेंगी क्या? मैं सारे रिश्तों को जोड़ के नहीं रख पाई, सिचुएशंस भी तो कितनी बिगड़ गई थी ना रोशनी। अब हम साथ हैं, एक दूसरे के साथ सब कुछ सुलझा देंगे। अभी जामनगर चलते हैं, राइट नाउ। से व्हाट? पागल हो गए हो? पागल क्यों भाई? आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। हमें तुरंत जाना चाहिए जामनगर, लेकिन उससे पहले डैड से मिलने चलते हैं। कब से मिस कर रहे हैं तुमको? देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें। यश, तुम कल रात के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारा चेहरा सब कुछ कह, तुम अच्छे से जानती हो तुमने क्या किया, कितना गलत किया है ना तुम। यश प्लीज मत बोलो ये सब। सिद्धार्थ और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने बहुत कोशिश की उससे दूर जाने की, तुम जानते हो, पर हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिन। बिल्कुल सही कहा तुमने, और ये सब कुछ कल रात अचानक याद आ गया ना तुम दोनों को। यश प्लीज, देखो मैं जानती हूं तुम अपसेट हो, पर तुम बात को नहीं समझ रहे। प्लीज चीजों को और कॉम्प्लिकेट मत करो। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ यश, पर सिद्धार्थ मेरा पति है और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। अगर हम दोनों अपना डिफरेंसेस सॉल्व करना चाहते थे और हम सक्सेसफुल। कोर्स रोशनी, आई वुड हैव बीन मोर देन हैप्पी अगर ये सच होता, लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि वो इंसान तुम्हारे लायक नहीं है। और प्यार तो दूर की बात है, वो तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रहा है, तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बताना चाहता, तुम्हें जीतना चाहता, तुम्हारे ऊपर मालिकाना हक जताना चाहता है वो। यश, आई रियली रिस्पेक्ट यू एज अ फ्रेंड, पर मैं सिद्धार्थ के बारे में कुछ नहीं सोच सकता। प्लीज आगे से उसके बारे में कुछ मत बोलना। चाहूं कुछ भी कर सकता हूं, और ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार वो मेरे जाल में फंस जाए, फिर देखो मैं क्या करता हूं। जो मैंने सोचा है एक बार हो गया ना, फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा मेरे पास वापस आने के अलावा। तुम यहाँ चली आई? अरे मुझे कह देती, मैं गाड़ी वाड़ी का कुछ अरेंजमेंट करा देता। अरे यहाँ आ भी गई तो अंदर आने की क्या जरूरत है? गृह प्रवेश की सारी रस्में करनी है यार। चलो चलो बाहर चलो पहले। क्या हो रहा है यहाँ पर? असल ये लोग यहाँ क्या कर? और ये सिमी, चुप करो। बहू घर में आई है भाई। रोशनी क्या बात है बताओ मुझे। रोशनी पुत्र, हुआ क्या है? अपने बेटे से पूछे ना क्या बात है। रोशनी मैं ऑनेस्टली कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या बात है? क्यों, अब तो प्लान सक्सेसफुल हो गया ना, तो इतना नाटक क्यों कर रहे? जाओ ना जाके अपनी बहन के साथ सेलिब्रेट करो। रोशनी तुम ये सब क्या कह रही हो?
रश्मि देखो, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कह रही हो। मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है। अगर इस बार किसी ने कोई कांड किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रोशनी, टेल मी द ट्रुथ, गॉड डैमिट, मैं पति हूं तुम्हारा। पति? तुम पति? एक ऐसा पति जिसे जिसे सिर्फ मेरे साथ सोने में इंटरेस्ट था। इमोशंस की कोई कदर नहीं थी। तुम पूछ रहे हो ना कौन, किसने? तुमने सिद्धार्थ खुराना, तुमने। दोनों अपने आप को पनिशमेंट। अब कौन सा पति ऐसा होता है जो अपनी बहन के साथ शर्त लगाते कि वो अपनी पत्नी को अपने साथ बिस्तर में सोने के लिए मजबूर कर देगा? इतना नीच समझती हो तुम मुझे? इतना घटिया। मैं जानता हूं क्या हुआ होगा। कोई तुम्हारे पास आया होगा, तुम्हें चार बातें सुनाई होंगी, चार घटिया सबूत दिखाए होंगे और यहां चली आई तुम मुझे अक्यूज करने के लिए। मुझे? तुम सब कुछ भूल गई रोशनी, सब कुछ, वो सारे पल जो मेरे और तुम्हारे बीच में हुआ, हमारे पल, वो सारी बातें जो मैंने तुमसे करी है, वो सब कुछ जो हमने साथ में महसूस किया, सब आज तुमने मुझे इतना नीचा, इतना घटिया, इतना कमीना बना दिया है कि मैं आईने में खुद के साथ नजर नहीं मिला सकता। Who the hell do you think I am? क्या लगता है तुम्हें कौन हूं मैं? सिद्धार्थ खुराना नाम है मेरा। क्या हुआ, शॉक तो ना? कभी आज तक मुझे इस तरह बात करते हुए सुना नहीं ना रोशनी? लेकिन यह जबान मेरी नहीं है रोशनी पटेल, यह जबान मुझे दी गई है। यह घटिया जबान, यह ऊंची सोच मुझे तुमने दी है रोशनी। कैसे यकीन कर लो तुम पे? तुम्हारे तो प्यार की पूरी बुनियाद ही झूठ पे रखी हुई थी। जो एक बार झूठ बोल सकता है वो क्या नहीं कर सकता? हाँ कर सकता हूँ मैं, हाँ कर सकता हूँ मैं, क्यों नहीं कर सकता? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। आई विल नॉट प्रूव माइसेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू रोशनी पटेल, आई वोंट। तुम जानती हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम, तुम्हारा ईगो, तुम्हारे कान, तुम्हारा विश्वास इतना कच्चा है कि कोई भी एक छोटा सा कंकड़ मार के उसे तोड़ सकता है। We are finished. आज मैं सिद्धार्थ खुराना सबके सामने ये कहता हूं कि मैं रोशनी पटेल से सारे रिश्ते तोड़ता हूं। Right now! सिट बदल, पागल मत बन, गुस्से में तो कुछ भी बोले चले जा रहा है। सिद्धार्थ बेटा, तू तो बिल्कुल सुलझा हुआ लड़का है, तू ऐसा नहीं कर सकता है। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, मान मेरी बात। नहीं नहीं माँ, ये बात बात करने को कोई फायदा नहीं है। सब कुछ दिया मैंने इसको, सब कुछ, अपना प्यार, अपना दिल, अपना दर्द, अपने आंसू, अपनी जिंदगी, सब कुछ। और क्या किया उसने मेरे साथ, क्या किया उसने? मुझे एक रेपिस्ट, एक बलात्कारी बना के यहां सबके सामने खड़ा कर दिया। That is what you have given me. That is what you have given me. खैर, अब खत्म तो खत्म करते हैं। I want you out of my life right now. निकलो बाहर। किसने ये MMS बनाया और बना के रोशनी को दिखा पड़े? क्या पता करना पड़ेगा डैड, क्या पता करना पड़ेगा? क्या क्या पता करूं मैं? जासूस हूं क्या मैं?
आई एम अ बिजनेस बड़ी टाइकून, मैं कोई प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ क्या? क्या मैं ये पता करूँ कि तुलसी के पौधे में हड्डियां किसने डाली? क्या मैं ये पता करूँ कि इनके बिजनेस को खराब कौन कर रहा है? क्या मैं ये पता करूँ कि इन पे हमला कौन कर रहा है? अरे क्या क्या पता करूँ? क्या फायदा ये सब करने का? नहीं कर रहा मुझे पता। आज मुझ पर यह इल्जाम लगा रही है कि मैंने इसके साथ ये हरकत की, कल ये इल्जाम लगाएगी कि किसी और के साथ की। अरे कब तक बर्दाश्त करता रहूंगा मैं? यहां बात रिश्तों की हो रही है, लेकिन रिश्तों की एबीसीडी ये लड़की जानती तक नहीं है। वो लड़की जैसे रिश्तों की कदर नहीं, मुझे उसकी कदर है। और हां, तुम कह रही थी ना कि मैं खुद को सजा दूं। जाओ, देता हूं आज से सजा। मैं अपनी जिंदगी को अंधेरे में धकेलता हूं। नहीं चाहिए मुझे रोशनी। जाओ। रोशनी पुत्र, मैं ये नहीं कहना चाहती दैट आई टोल्ड यू सो, लेकिन क्या करूं? मैं हर बार समझाती हूँ, फिर वही हो जाता है बात। वो लड़का अजीब है रोशनी, आई डोंट नो हाउ टू से इट, लेकिन दूसरों को दुख देना, ही इज गॉड गिफ्टेड इन दैट। हमें इतनी बार झूठ बोल चुका है वो लड़का, क्या भरोसा वो आगे झूठ नहीं बोलेगा? बोलेगा ही। मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। And I think, आप लोगों को भी थोड़ा समय चाहिए आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए। रोशनी, तुम्हें कोई भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो प्लीज मुझे फोन कर देना। Don't hesitate at all. अच्छा ठीक है। Thanks for your support, बेटा। God bless you. Thank you. इस लड़के को देख, एक ये और एक सिद्धार्थ, इतना कुछ हो जाने के बावजूद इसकी रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज हुई है, लेकिन तब भी ये तुझे सपोर्ट कर रहा है, खड़ा हुआ है तेरे साथ। और एक है सिद्धार्थ, बस समझ नहीं आता और बोलूं तो क्या बोलूं उसके बारे में। पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं किया उस लड़के ने। रोशनी कहाँ है नानी माँ? अंदर अपने कमरे में। कहाँ लेके जा रहे हो? कुछ सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कहाँ ले जा रहे तू रोशनी को? हाँ आपकी नातिन को जिंदगी भर की खुशी देने जा रहा हूं।
साफ साफ बताना कहाँ जा रहे हो तुम दोनों। आप चिंता मत कीजिए नानी माँ, रोशनी बहुत जल्द घर पे होगी, सही सलामत। सिद्धार्थ को इतना गुस्से में तो कभी नहीं देखा, कहाँ ले गया वो रोशनी को। अरे अब तो छुआछूत की बीमारी का इलाज भी है, छू सकते हैं आप एक दूसरे को। नेवर माइंड। दो पेन आ जाएंगे तब आप अलग अलग साइन कर देना। एक बात बताओ आप लोग मुझे क्यों बोरा रहे हो, ऐसा क्या हो गया? अरे किसने काट खाया भाई है? क्यों अपनी शादी तोड़ने पे लगे? लव मैरिज की थी ना आपने? सर बोल ले, इन्हें बोल ले दीजिए लड़कियों को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ तो आप इनके पीछे पीछे गई थी फिर शादी कर ली? सर मैं नहीं गई थी इसके पीछे, ये मेरे पीछे आया था। ओहो मतलब ये आपको भगा के ले गया बिना आपकी मर्जी के? नो सर एक्चुअली इसने मुझे धोखे से फंसाया था। मैं तो अच्छा खासा अपनी लाइफ जी रही थी सर, एनजीओ संभालती थी, पहले मेरे एनजीओ को गिराने की कोशिश की और उसके बाद मेरे साथ दोस्ती की और झूठ बोला मुझसे कि ये तो अमीर घर का है ही नहीं, बहुत गरीब लड़का है। नहीं 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 एक मिनट, ये गरीब वाला एंगल क्या है? मुझे अमीरों से प्रॉब्लम है। क्यों, इनके सर पे सींग होते हैं? आपको बड़ी हंसी आ रही है? सॉरी। हाँ बेटा बोलिए फिर क्या हुआ, फिर आप पढ़ गई? ये नो सर, इतनी आसानी से नहीं। अच्छा मतलब आपने भाव खाया? ये नो सर, सर इसने इसने चालाकी से मुझसे दोस्ती की, यहाँ तक कि मेरे एनजीओ के बच्चों के साथ भी दोस्ती की और फिर मुझे भी अपने जाल में फंसाया और मेरी मॉम की मर्जी के खिलाफ हमने शादी की। अच्छा सर, इनकी माताजी हमारी शादी रोकना चाहती थी, इनकी शादी धोखे से किसी और के साथ कराना चाहती थी। हम लोग बालिक थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए हम लोग एक साथ शादी करना चाहते थे। अब मैंने सब कुछ करके वो शादी रुकवाई। इनकी माताजी ने खूब नाटक किया, हार्ट अटैक का भी नाटक किया, लेकिन ये उनसे भी 10 कदम आगे हैं। आपसे पूछा सॉरी। इस दुनिया में एक ऐसा देश एक ऐसा शहर नहीं था जहां मैंने इनको नहीं ढूंढा। एक मिनट भाई साहब, आप ना ये फिजूल मेरा हीरो मत बना करो। क्या कह रहे थे आप अभी कि ये इनकी और इनकी मॉम, ये इन दोनों के बीच ईगो के चक्कर में कोई बातचीत नहीं होती, पर जब ये मिल गई तो आपने डाइवोर्स के पेपर फाइल कर दिए। आप ही ने फाइल किया था ना केस? जी हाँ मैंने फाइल किया था, लेकिन मैं क्या करता, हर इंसान की बर्दाश्त की एक सीमा होती है सर। जितना मैं बर्दाश्त कर सकता था मैंने किया, जब नहीं हुआ तो मैं यहाँ चला आया। आज अगर ये मेरे पास आएंगे और मुझसे ये कहेंगे कि मैंने इनके साथ। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि आपने किया, एक बात बताओ मुझे आप दोनों कि आप दोनों फिजिकली करीब लास्ट टाइम कब हुए थे? मतलब एक लाइक जस्ट ना पति पत्नी की तरह, मतलब इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन आई एम आस्किंग, मगर तो क्या करूं, आप लोग जो है पूरे के पूरे अपने रिश्तों को या कोर्ट में उछाल रहे हैं, तो आप बताइए सब कुछ। दो दिन। क्या इन्होंने क्या आपके साथ जबरदस्ती की? इतना बेतुका डाइवोर्स केस मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अभी 2 दिन पहले तक आप एक दूसरे के साथ इश्क फरमा रहे थे, अब कुछ जरा सी बात पे अनबन हो गई तो डाइवोर्स केस फाइल कर दिया। क्या है मैं फूल हूं है? और वो ब्रांडी पीली थी, वो हो गया, ये सब हो गया है? क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं होता, ये सब नहीं है ठीक। एंड मिस्टर खुराना आपको भी ये सब समझना चाहिए। सर एक्चुअली इसने मुझे बाद में पता लगा दैट
He just wanted to use me. मेरे पास मैसेज आया था। अच्छा, नंबर दीजिए आप मुझे अपना। नंबर दीजिए। 07452525। ये लीजिए। मैंने आपको मैसेज भेज दिया। मैं कहता हूं कि ये आपको बहुत प्यार करता है। मान लीजिए। मान लीजिए, नहीं? अरे आप तो बहुत यकीन करती हैं ना मैसेजों पर, तो मान लीजिए। एंड दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग मिस्टर खुराना, कि आपने अपनी वाइफ को आज तक सच्चाई से रूबरू नहीं कराया, आपने उनको अंधेरे में रखा। पता नहीं ये सिट कहां चला गया है। आपका बेटा कहां पर है? कहां किडनैप करके लेके गया मेरी बेटी को? 3 घंटे से मिसिंग है वो। आप यहां क्या कर रही हैं? और सिद्धार्थ घर पर नहीं है, और ये पुलिस यहां क्या कर रही है? आप प्लीज तलाशी लीजिए ना इस घर की। तलाशी? बस अब यही रह गया था ना। वैसे भी आपकी बेटी मेरे बेटे को फंसा दी, आप पुलिस को भेजती हैं, और आज भी फिर से पुलिस को लेकर आई। जरूर आपकी बेटी फिर से मेरे बेटे को फंसाना चाहती हो। सिमी, खामोश, किस जुबान में बात कर रही हो? देखिए, इनको कह दीजिए मेरी बेटी पर घटिया इल्जाम ना लगाएं। अगर किसी की औलाद घटिया है तो वो है तुम्हारी। MMS देख के समझ नहीं आ गया था तुम्हें? MMS? दुर्गा, क्या हुआ? क्या चल रहा है ये सब? तेरा मैसेज मिला। प्लीज आंटी जी, समझाइए अपनी बेटी को कि बदतमीजी ना करे। और हाँ, प्लीज, आप लोग ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे अच्छा लगता है क्या माँ? इंस्पेक्टर साहब, ये वो औरत जो मेरी बेटी की किडनैपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। What? किडनैप? प्लीज आप इसे अरेस्ट करवा दीजिए। मिसेस पटेल, ये आप क्या कह रही हैं? मैम, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, या फिर आप बताइए सिड और रोशनी है कहाँ? हम यहाँ हैं। सिड? सिड कहाँ था तू? हाँ, देख, ये औरत फिर से इस घर में आई है और अनाप शनाप बोली जा रही है। इंस्पेक्टर साहब, आई एम रियली वेरी सॉरी, कुछ कंफ्यूजन थी, अब हम लोग सब लोग यहीं पे हैं। आप चाहते हैं तो यू मे लीव। थैंक यू। चल चल बेटा, चल यहाँ से। इस घर की चौखट लांगना भी हमारे लिए हराम है। यहाँ रुकेंगे ना कोई और नाटक शुरू कर देंगे ये दोनों। चल अब यहाँ से, अब की बार शहर में नहीं रहने दूंगी तुझे। चल। मैं नहीं जा सकती मॉम। मतलब क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकती ये? पता नहीं और कितने नाटक करेगी ये रोशनी। सिड, ये सब क्या बोल रही है? हाँ सिड, मुझे यहां रहना पड़ेगा अपने सोपट पति के साथ। मैं जानती थी ये लड़की फिर से कोई खेल खेलेगी। पनौती बन गई है मेरी सिड की जिंदगी में। खबरदार मेरी बेटी को पनौती का। ब्लडी पीपल विद नो क्लास। पैसे आ गए लेकिन क्लास नहीं आई इन लोगों में। प्लीज, ये कोई वर्ल्ड वॉर नहीं है, हम शांत रह के भी बात कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हंस के, रो के, लड़ के, झगड़ के हमें 3 महीने एज अ कपल इस घर में बिताने हैं, एक साथ एक छत के नीचे। अगर करना है तो करना है, लेट्स गेट इट डन विद, ओवर विद इट। हाँ तो अब क्या हो सकता है? कानून तो कानून ही होता है, अब कानून को तो फॉलो करना ही पड़ता है ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ। क्या है कि कानून के हाथ बहुत लंबे भी होते हैं, और मुझे ना लंबे हाथों से बड़ा डर लगता है। अच्छा जी। हाँ जी। तो फिर तो हमें सब कुछ प्रॉपर ही करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। मतलब कि प्रॉपरली इनका गृह प्रवेश करवाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं कानून की वजह से हम ना प्रॉब्लम में आ जाएं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ओके देन, मुझे मंजूर है, मैं गृह प्रवेश के लिए तैयार हूँ।
Yes. चलिए. अरे गृह प्रवेश तो यहाँ से होता है. आप उधर चलिए, मैं थाली उधर से लाता हूँ. अब इसको पांव से गिरा दे और स्लोली स्लोली इस पे वॉक करके अंदर आ जा. वैसे तो ये काम सास को करना चाहिए, लेकिन क्या है ना, सास को एलर्जी है. किस चीज की एलर्जी है? हैप्पीनेस की, खुशियों की. ओह सॉरी. आजा आजा चुपचाप. एक मिनट तेल के. और थोड़ा स्लो मोशन में कर लो. वैसे भी फुटेज खाने की तो आदत है ही तुम्हारी. तुमसे ही सीखा फुटेज खाना. कुछ अच्छा भी सीख लेते. कुछ है? बहुत कुछ. I know. क्या हो गया? घूर क्या रही? ससुराल में तो भी शर्म करो. शर्म औरतों का गहना होता है. क्या लगता है तुम्हें, ये गृह प्रवेश करके गृहिणी बन जाओगी तो? घर को संभालना, रिश्तों को निभाना, खाने का काम नहीं. ओए आ जाओ अंदर, आ जाओ. चलो अंदर आओ. ओह देख आंटी जी, रोशनी ने घर में आते ही गृहिणी वाला काम शुरू कर दिया. ओ भाई संभाल लिया ना सिड को? अब लगता है घर में आते ही ये सब कुछ संभाल लेगी, सब ठीक कर देगी. आरके वाली पोज थी. एक फिर से एक बार प्लीज. हाँ, मैं एक फोटो खींचती हूँ. ये ली, ये ली. मैं ना, हाँ. कुछ? अभी इसी को अपना डीपी बनाऊंगी. वेरी गुड, वेरी गुड. डैड इस आदमी कितने अच्छे लग रहे हैं ना. शाबाश. मैं मंदिर में तैयारी करते आ पाएंगे. हाँ, भाई अब ऐसा है, मैं अपने बेटे और बहू को लेकर मंदिर जा रहा हूँ. मैं बहुत खुश हूँ कि तुम और सर आज घर पर आ गए हैं. सर तुमसे थोड़ा नाराज है, थोड़ा गुस्सा है, पर तुमने भी तो बहुत ज्यादा बोल दिया ना उसको. तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा भाई ठीक है ना? एक्चुअली इस घर के हिसाब किताब ही तो ठीक करने आई हूँ मैं. तुम्हारे भाई ने और तुम्हारी फैमिली ने मिलकर जितना मेरी फैमिली को सताया है ना, एक एक हिसाब बराबर कर दूंगी. रुकी मम्मी जी, आप इस वक्त गुस्से में कुछ मत कीजिए. मैं समझ सकता हूँ कि आप रोशनी से नाराज हैं. उसने हरकत ही ऐसी की, आते ही अपने रंग दिखा दिए. लेकिन मम्मी जी, हमें जो कुछ भी करना है ना, बड़े ठंडे दिमाग से करना होगा. 3 महीने की बात, डिवोर्स इन्हीं 3 महीनों के बेसिस पे मिले. देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर. अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें.